और शुरुआत करते हैं उत्तराखंड प्राइम की खबर जोशीमठ से है। हेमकुंड साहिब ट्रैक पर गए दो ट्रैकर्स को रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने दो ट्रैकर्स को रेस्क्यू किया है। ये दोनों ही बीमार बताए जा रहे हैं। प्रशासन की इजाजत के बगैर ही ट्रैकिंग पर गए थे ये दोनों युवक। फंसने की स्थिति आई, इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने इन्हें रेस्क्यू किया है। ठीक नहीं है ये दोनों ट्रैकर, बीमार बताए जा रहे हैं और इन्हें एसडीआरएफ की टीम ने वक्त रहते रेस्क्यू किया है। हालांकि ये भी सच है कि बिना इजाजत ही ये ट्रैकिंग पर निकल पड़े थे। अभी इजाजत नहीं है इन रास्तों पर ट्रैकिंग की। बावजूद इसके ये दो ट्रैकर्स रेस्क्यू किए गए हैं, बीमार बताए जा रहे हैं। दोनों बिना परमिशन के ट्रैक पर निकल पड़े थे। फंसने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने इन दोनों को रेस्क्यू किया है। दोनों की तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है, दोनों बीमार बताए जा रहे हैं, लेकिन सही वक्त पर एसडीआरएफ की टीम ने इन्हें इस ट्रैक से रेस्क्यू कर लिया है। दिल्ली से खबर मिल रही है, उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रीतम सिंह के बीच मंथन होगा। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद आपको बताया ये पद खाली हुआ है। अब इस पद पर कौन आएगा, इसके लिए मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव प्रीतम सिंह के बीच मंथन चल रहा है और अब इंदिरा हृदयेश की जगह कौन लेगा, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा, आपको बताएं। इंदिरा हृदयेश के अचानक निधन के बाद ये पद खाली हुआ है और अब दिल्ली में इस पद को भरने के लिए मंथन हो रहा है। चलिए हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अविनाश बताइए किन किन नामों पर चर्चा हो सकती है, मंथन चल रहा है, इंदिरा हृदयेश की जगह ले कौन सकता है? देखिए अगर बात करें स्नेह लता, तमाम तरीके से नामों को लेकर मंथन अभी चल रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो प्रभारी देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ परसों बैठक करेंगे सोमवार को, जहां पे कई सारे नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। जो मेरी व्यक्तिगत तौर पे बात हुई है प्रभारी देवेंद्र यादव से, उन्होंने भी कहा है कि सोमवार से लेकर मंगलवार तक में हम नामों का ऐलान कर देंगे। चूँकि ये बैठक सोमवार को होनी है तो जिसमें कई सारे नामों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष आगे बढ़ेंगे और उनके बातचीत होगी कि कौन कौन लोग वो हैं जो हो सकते हैं अगले सीएल पीडर, उसके बाद ही कुछ कहना स्पष्ट होगा। क्योंकि अभी चीज नाम है उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष अपने स्तर पर देख रहे हैं कि कौन से नाम हो सकते हैं जो सीएलपी लीडर की रेस में है या जिनको सीएलपी लीडर बनाया जाना चाहिए। इसके बाद फिर प्रभारी सह प्रभारी दोनों बैठेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे और पार्टी के कुछ और वरिष्ठ नेता भी बैठेंगे, जिनके बाद ये मंथन करके फिर नाम को फाइनल किया जाएगा। फिलहाल अगर अभी बात करें तो प्रभारी के साफ कहना है कि सोमवार को नहीं तो फिर मंगलवार को सीएलपी लीडर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, अब देखते हैं नामों को लेकर कयास का जो दौर है वो शायद खत्म होगा मंडे को या फिर ट्यूसडे को, सोमवार या मंगलवार में ये बैठक होगी। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करें रामनगर की, जहां कल भाजपा का चिंतन शिविर होने जा रहा है। 3 दिन का ये चिंतन शिविर है, इस दौरान संगठन के साथ नेताओं की बैठक है। सीएम तीरथ सिंह रावत और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। ये चिंतन शिविर उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब इस चिंतन शिविर में किस तरीके से मंथन होगा, ये दौर शुरू होने वाला है। 27 से प्रारंभ होगा, 28 और 29 को इसका समापन होगा। इसमें प्रदेश के हमारे सभी मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश पदाधिकारी जिनको इसमें रहना होगा वो रहेंगे, और हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहेंगे, हमारे प्रभारी सह प्रभारी, हमारे सांसद और हमारे में मंत्रीगण, ये सब लोग इसमें रहेंगे। हमारे प्रदेशों के जो मोर्चों के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं वो लोग रहेंगे। ये करीब 40 लोग इस बैठक में रहने वाले हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, भाजपा के चिंतन बैठक को लेकर दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। कल रामनगर में भाजपा की चिंतन बैठक होनी है, चुनाव की तैयारियों और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होनी है। कोर कमेटी और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। अलग अलग ग्रुप्स में नेताओं में मंत्रियों में ये बैठक होगी, बातचीत होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा। तो इसे लेकर प्रभारी दुष्यंत गौतम की भी विचार सामने आए हैं इस चिंतन शिविर को लेकर, जहां पार्टी की कोर कमेटी, पार्टी के प्रमुख और अलग अलग ग्रुप बनाकर नेताओं के साथ बैठक का दौर चलेगा।
बड़ी खबर, उधर 2022 की तैयारियों में आम आदमी पार्टी भी जुटी है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी मिशन विजय का शंखनाद करेगी। 1 जुलाई से ये मिशन शुरू होगा। पहले चरण में 16 विधानसभा का लक्ष्य रखा गया है जिन्हें कवर करना है। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया प्रदेश भर का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे, विधानसभा में टिकट को लेकर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। तो आप भी 1 जुलाई से रण में उतरने की तैयारी है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, कुछ समय के लिए गंगोत्री हाईवे को बंद करना पड़ेगा। 27 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये हाईवे बंद रहेगा। गंगोत्री वैली ब्रिज पर मरम्मत का काम चल रहा है, इसके मद्देनजर इसे बंद करना पड़ेगा और इससे चार धाम यात्रा के लिए ये ब्रिज कारगर साबित होता है। इसकी मरम्मत के लिए बंद किया जा रहा है इस हाईवे को। उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आते आते राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस का मंथन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कल रामनगर में भाजपा का बड़ा मंथन शिविर लगने जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें देखिए, दिल्ली से लगाए उत्तराखंड में, और उधर 1 जुलाई से आपने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे। तो कुल मिलाकर मिशन 2022 पर किस तरीके से तमाम पार्टियां लग चुकी हैं आप अंदाजा लगाइए। जहां नेता प्रतिपक्ष के नाम पर दिल्ली में मंथन का दौर जारी है, वहीं उत्तराखंड में मंथन शिविर होगा, चिंतन शिविर होगा, जहां कई ग्रुप्स बनाए जाएंगे मंत्रियों के, कोर ग्रुप कमेटी की, और आपस में बातचीत, विचारों का आदान प्रदान कि मिशन 22 को कैसे जीता जाए। उत्तराखंड में 30 जून से सीएम महालक्ष्मी योजना की शुरुआत होने जा रही है। योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत करेंगे। इसके दौरान लाभार्थियों को वर्चुअली जोड़ा जाएगा, महालक्ष्मी किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। और महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि योजना का जियो अप्रैल में जारी हो चुका था, लेकिन कोविड की वजह से योजना शुरू नहीं हो पाई, लेकिन अब इस योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी, वर्चुअली महिलाएं जुड़ेंगी और इसके साथ महालक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी। तो 30 जून को ये महत्वाकांक्षी योजना है जिसे पहले ही हरी झंडी मिलनी थी, लेकिन कोविड की वजह से होल्ड पर चली गई ये पूरी योजना। लेकिन अब तमाम लाभार्थियों को वर्चुअली जोड़ा जाएगा और इस योजना को शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हम लोग 30 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं, इसी माह के 30 तारीख को, और ये योजना अप्रैल में इसका जियो निकल गया था, तो अप्रैल मई जून 3 माह का जो है हम लोग मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट को जो है महिलाओं के बीच में और उनकी बच्चियों के लिए दोनों को ही जो है ये किट हम लोग उपलब्ध कराने जा रहे हैं। अब तक में इन 3 महीनों की यदि हम संख्या को देखते हैं तो 15,000 के आसपास जो है ये संख्या है, 15 या 16,000 के आसपास की ये संख्या बनी। देहरादून में ही तीरथ रावत कैबिनेट की बैठक के दौरान 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने 1 जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू करने पर मुहर लगा दी है, मगर अभी सिर्फ चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले ही चार धाम के लिए खोले गए हैं। इन जिलों के स्थानीय लोग अपने अपने धाम में दर्शन के लिए जा सकेंगे। तो चार धाम यात्रा जो जनपदों में प्रारंभ की जा रही है उस पर विचार करने का काम किया। देखिए, अभी मंत्रिमंडल ने पहले फेज में 1 जुलाई में जनपद के लोगों को अपने अपने जनपद में स्थित धार्मिक जो हमारे धाम हैं उनके दर्शन का निर्णय लिया है। इसके बाद मंत्रिमंडल फिर बैठेगा और परिस्थितियों के दृष्टिगत फिर निर्णय लेगा। 11 तारीख का निर्णय अभी एडजस्ट करता है, लेकिन उसको परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि एक संभावना कि डेल्टा संक्रमण की जो संभावना है, क्या परिस्थितियां बनती है उसको देखते हुए मंत्रिमंडल 11 तारीख वाले में उसको उस पर विचार करने के बाद फिर अंतिम निर्णय लेकर के उसको जारी करेगा। उधर चार धाम यात्रा शुरू नहीं होने से केदारनाथ धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। इन दिनों जहां केदार धाम में पहल चहल रहती थी, वहीं धाम में अब एक भी भक्त नजर नहीं आ रहा है। केदारनाथ धाम में अब मंदिर के घंटे की आवाज दूर तक सुनी जा सकती है।
इसकी बड़ी वजह है धाम में पसरा सन्नाटा। कोरोना की वजह से अभी तक चार धाम यात्रियों को दर्शन की इजाजत नहीं मिली, इसीलिए केदारनाथ धाम में सन्नाटा है। आज हम भगवान केदारनाथ जी की तपस्थली से बोल रहे हैं, जहां पर इन दिनों हजारों तीर्थयात्री भगवान के दर्शन अभिषेक किया करते थे। कोरोना की महामारी को देखते हुए इन दिनों यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। भक्तों से गुलजार रहने वाले केदारनाथ धाम में फिलहाल एक भी भक्त नजर नहीं आता। यहाँ पर महज कुछ पुजारी ही पूजा पाठ का काम करते हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 1 जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही, प्रशासन उसकी तैयारियों में जुटा है। धाम यात्रा में जैसा कि आप जानते हैं कोविड की वजह से इस वर्ष उस तरीके से शुरू नहीं हो पाई जिस भव्यता के साथ हर वर्ष शुरू होती है, परंतु वर्तमान में जैसा कि आकलन लगाया जा रहा है 1 जुलाई से संभवतः यात्रा चालू हो जाएगी। उसकी विस्तृत SOP का हम जैसी प्राप्त होगी उसके क्रम में कार्रवाई कर ली जाएगी। वर्तमान में बिजली की, पानी की, रहने की जो ये मूलभूत वहाँ पे व्यवस्थाएं करनी होती हैं उस पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जून 2013 की आपदा के बाद साल 2016 में केदारनाथ धाम की यात्रा पटरी पर लौटी, जिसके बाद साल दर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी की वजह से यात्रा देर से शुरू हुई थी, इसीलिए यात्रा पर ज्यादा यात्री नहीं आए। इस बार भी यात्रा काफी देर से शुरू हो रही, बरसात का सीजन आ गया, वैसे भी इस महीने में कम यात्री आते हैं, इसीलिए इस बार भी लगता नहीं कि चारधाम के लिए यात्रियों की संख्या ज्यादा रहने वाली है। ABP गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चार धामों में तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है। केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है। इस दौरान इनका कहना है कि सरकार को जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने पर फैसला लेना चाहिए, नहीं तो वो आंदोलित होंगे। दरअसल ये विवाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान के बाद शुरू हुआ। सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार के बारे में नहीं सोच रही है, जिसके बाद से ही चार धाम पुरोहित आंदोलन कर रहे हैं। तो चार धाम के तीर्थ पुरोहित सतपाल महाराज के बयान के बाद से आंदोलित हैं, और उसके बाद ये तस्वीरें देख सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई संदेश कोई इसके माध्यम से हमें नहीं मिला, ऐसा ना हो कि आगे हमें इसके लिए उग्र आंदोलन करना पड़े। मैं समस्त पुरोहितों की तरफ से फिर एक बार सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि यथाशीघ्र आप इसमें निर्णय लें। और उत्तराखंड में कई रियायतों के साथ 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू लागू है, और अभी हफ्ते में 2 दिन शनिवार रविवार पूरी तरह से बाजार बंद रखने के आदेश हैं। देहरादून की बात करें, कर्फ्यू के बावजूद भी लोगों की आवाजाही आप देखिए। हालांकि पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है जो बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं या फिर घूम रहे हैं। शनिवार और रविवार पूर्ण रूप से कोरोना कर्फ्यू लागू है, उसके बावजूद भी आप सड़कों पर वाहनों की आवाजाही देख सकते हैं कि किस तरह से लोग घरों से निकलकर अपने अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं। तो ये गंभीर बात है कि जहां एक तरफ सरकार कोरोना के मामलों को रोकने के लिए लगातार कर्फ्यू को बढ़ा रही है, उसके बावजूद भी जिस दिन कोरोना कर्फ्यू पूर्ण रूप से लागू होता है उस दिन यहाँ पर लोग घरों से निकलकर अलग अलग जा रहे हैं। हालांकि ये सख्ती भी बरती जा रही है, यहाँ पुलिस फोर्स को आप देख सकते हैं कि तमाम जो जवान हैं वो पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, और वो ऐसे लोगों को जो संदिग्ध रूप में हैं या जो घरों से फिजूल निकल रहे हैं उनको रोक कर उनसे पूछ भी रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, और जो फिजूल में घरों से निकल रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। खासकर दुपहिया वाहन पर जो लोग हैं उनको रोका जा रहा है, ऐसे युवा जो फिजूल में घरों से निकल रहे हैं वीकेंड पर इधर उधर मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं या घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक तरफ जिस तरह से लगातार अपील की जा रही है कि आप कोरोना के मामलों को यदि रोकना है तो आपको कर्फ्यू का पालन करना पड़ेगा, कोरोना के नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी सड़कों पर जो वाहनों की आवाजाही है उसको देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस नहीं है, या यूं कहें कि लोगों के अंदर अभी डर नहीं है, क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो लोग भी ये सोच रहे हैं कि कोरोना अब
कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, उसके बावजूद लोग घरों से निकल रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तब बात कर लेते हैं कुंभ में कोरोना रिपोर्ट में हुए फर्जीवाड़े मामले की। अगर आप बात करें तो विपक्ष इसे खूब तूल दे रहा है। कांग्रेस की मांग है कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी में इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उधर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पब्लिसिटी के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहती है। भ्रष्टाचार भी हुआ है, जिसमें फेक जो है आप ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग भी हुई है, और फेक टेस्टिंग की वजह से देश के अंदर कोरोना फैला है। हमारे प्रदेश और देश के लोगों ने अपने परिजनों को भी खोया है। तो ये जो कुछ हुआ है ये सरकार की देखरेख में हुआ है, और जो लोग एलिजिबल नहीं थे उनको भी जो है टेस्टिंग का कार्य दिया गया है। तो भ्रष्ट सरकार है, अत्यारी सरकार है। सरकार के खिलाफ जो है 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए, और इसकी जांच जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। जिस समय ये सूचना मिली तत्काल इस पर SIT गठित हो गई, जांच बैठ गई, तत्काल इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। अब आज कांग्रेस केवल ये नौटंकी करके और कहीं ना कहीं 4.5 वर्षों में जो प्रदेश के लिए विपक्ष के तौर के जनादेश पर कुछ किया नहीं, आज केवल इस प्रकार का एक अपना नौटंकी के माध्यम से और लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी बढ़ रही है। भाजपा कह रही है कि वो चुनाव के लिए तैयार है, तो वहीं विपक्ष चुनाव में देरी को लेकर भाजपा पर हमलावर है। के लिए इसका मतलब कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस अपनी एक तरह से उनको अंदर की उनका हार सता रही है। सल्ट के चुनाव के बाद उनको लगता है कि भाई एक तरह से बाय इलेक्शन से भागने का रास्ता अभी से कांग्रेस खोज रही है। तो इसलिए कांग्रेस कुछ भी करे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव की तैयारी हम कर रहे हैं। जहाँ तक जो कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट खड़ा हो, कोई संवैधानिक संकट खड़ा नहीं हो रहा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री के लिए एक संकट पैदा कर दिया है, इसलिए अचानक दूसरे मुख्यमंत्री भी अब दौड़ रहे हैं। जो स्थिति अभी सामने आ रही है उस स्थिति को सामने लाने का सीधे सीधे आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगता है, क्योंकि अभी हाल में सल्ट का चुनाव, उस चुनाव में सीट खाली थी, तो उससे माननीय मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। अगर जो मीडिया के माध्यम से, खासतौर के माध्यम से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें अगर सत्यता है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी राजनीतिक भी संवैधानिक भूल भी सरकार कर चुकी है। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन योजना धरातल पर बेदम नजर आ रही है, जिसे लेकर पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुपाल ने अधिकारियों पर काफी फटकार लगाई है, उन्हें खरी खोटी सुनाई है। बिशन सिंह चुपाल ने कहा कि योजना के तमाम काम समय रहते ग्राउंड पर नजर आने चाहिए। से मेरा नहीं है, मेरा काम तो पानी देना है, पिछले काम के कमी गिनाने का नहीं है मेरा। मेरे पास जब है मंत्री, मैंने देखना है कि भाई सरकार की जो भी योजना है योजना का लाभ जनता तक पहुँचाए, ये मेरी प्राथमिकता है। इसलिए मैंने अधिकारियों से ये कहा कि आप, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको 2 महीने का समय मैंने दे रखा, 2 महीने के अंतर्गत सारी DPR बननी चाहिए, और DPR बिल्कुल 2 करोड़ तक के जिला अधिकारी स्तर पर ही पास हो जाएंगे, वहीं पर 2 से 5 करोड़ तो राज्य सरकार और 5 से अगले भारत सरकार। मैंने कहा ये सारे DPR आपको 2 महीने के अंदर अधिकारियों को। टिहरी जिले में कोविड वैक्सीनेशन अभियान में अब तेजी देखी जा रही है। जिला अस्पताल बौराड़ी में 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीन अब उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन की समस्या को देखते हुए वैक्सीनेशन केंद्रों पर ही संख्या बढ़ाकर 38 कर दी गई है। जिले में अभी तक 45 साल से अधिक उम्र के 1,14,678 लोग और 18 साल से अधिक उम्र के 54,821 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है।